हेलो एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीकॉम से जुड़ी एक खास खबर आपको दे देते हैं। एज पर रेगुलेटरी फाइलिंग संडे को टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल के बोर्ड ने 21,000 करोड़ रुपए तक के राइट इशू को मंजूरी दे दी है एट अ प्राइस ऑफ ₹535 पर शेयर। एयरटेल बोर्ड ने कंपनी को कैपिटल रेजिंग प्लान्स को कंसिडर करते हुए ₹535 पर फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर के प्राइस के राइट इशू को क्लियर कर दिया है, जिसमें ₹530 पर इक्विटी शेयर का प्रीमियम होगा। रिकॉर्ड डेट पर शेयर होल्डर्स के पास मौजूद हर 14 इक्विटी शेयर के लिए एक इक्विटी शेयर दिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि इशू प्राइस के पेमेंट के टर्म्स के हिसाब से इशू प्राइस का पेमेंट 36 मंथ्स के अंदर किया जाएगा और 25% एप्लीकेशन के समय और बाकी के दो या उससे ज़्यादा बार में किया जाएगा। कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप अपने एग्रीगेट राइट्स एंटाइटलमेंट के एक्सटेंड होने तक सब्सक्राइब करेंगे। कंपनी ने ये भी कहा कि वो इशू के किसी भी अनसब्सक्राइब शेयर को सब्सक्राइब करेंगे। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग अबाउट 55.8% है, जबकि पब्लिक होल्ड होगा 44.09%। सुनील मित्तल की कंपनी भारती एयरटेल 3 प्राइवेट प्लेयर मार्केट में सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है और टेलीकॉम रेगुलेटर के सब्सक्राइबर डेटा के हिसाब से एयरटेल ने जून में 38.1 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर ऐड किए और उनका मोबाइल यूजर बेस है 35.2 करोड़। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल 5 पैसा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। बाय बाय।